सुहानी को 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोज किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। ये डर्मेटो मायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ से स्वेलिंग स्टार्ट हुई एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज करने के बाद उसका एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो जो मेडिसिन उसको दिए फ्लूड वगैरह और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूड पूरा बॉडी में फ्लूड हो गया, लंग्स में भी फ्लूड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ उसका, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे डॉक्टर्स एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया, शी इज नॉट मोर, शी इज नो मोर।